हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक पवन। दोस्तों मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आप जो अगर झारखंड से हैं तो आप जो घर बैठे जो ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट आने की चरित्र प्रमाण पत्र जो आप कैसे घर बैठे बनवा सकते हैं, तो इसका जानकारी मैं एक पहले वीडियो में दे चुका हूं। तो उसमें दोस्तों आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो में जाकर देख लें दोस्तों। उसके बाद ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूं, इसमें आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहले ऑनलाइन कर लिए हैं, अप्लाई कर लिए हैं ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसे जो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो इसका जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक पवन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि आप जो ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर चुके हैं तो वो जो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो अपने कंप्यूटर में अथवा अपने लैपटॉप में जो कोई भी ब्राउजर को जो ओपन करना है, अभी मैं अपने कंप्यूटर में जो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का सर्च बार यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है citizen.jhpolice, ठीक है, और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों ऊपर में जो ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है, जो लिंक आ रहा है jhpolice.gov का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों झारखंड पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे खुल के जो आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जो मांग रहा है, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम पहले वीडियो डाल दिया हूँ और आपको पहले बता दिया हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के दोस्तों लॉगिन करना है और कैप्चा फिलअप करके, मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेता हूँ। नीचे कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस जो खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आने के आचरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, देखिए यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ स्थिति खोजें, ठीक है, आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह पे यहाँ पे जो खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवा के प्रकार, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है और ये मैंडेटरी भी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है चुने में और आपको सेवा अनुरोध पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जिसमें अप्लाई कर रहे थे आचरण प्रमाण पत्र, उसमें आपको एक सेवा अनुरोध संख्या मिला होगा, वो आपको यहाँ पे रखना है, डाउनलोड करके आपको जो स्लिप मिला है उसमें उसमें लिखा होगा, उसको आप यहाँ को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। अभी मैं अपना फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेवा अनुरोध के प्रकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र लिखा हुआ, करेक्टर सर्टिफिकेट को हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र बोला जाता है, आपको इस चरित्र प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वर्ष और नाम, अगर आप मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखे खोज करें, ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस जो खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अनुरोध संख्या दिखाएगा, उसके बाद वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखिए हमारा अप्रूव बता रहा है, अप्रूव्ड यानी कि वो बन गया, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिया प्रिंट, ठीक है, आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए हमारा जो यहाँ पे पीडीएफ फाइल में जो डाउनलोड हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों हमारा जो नीचे आचरण प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है वो डाउनलोड हो गया। देखिए दोस्तों हमारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा जो हमारा प्रमाण पत्र आचरण प्रमाण पत्र बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों आप आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई किए तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना आचरण प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक पवन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा।